गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस टू का क्लास टेंथ का साइंस टू का रेडियो सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारा साइंस टू क्लास टेंथ के अंदर पेज नंबर क्या दिया है यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। दो पेज सेकंड पेज नंबर के अंदर कुछ भी कट नहीं है। पहले पेज नंबर के अंदर क्या कट है सिर्फ देखो, यहाँ पे ब्लू कलर येलो कलर में जो दिखाया है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बिगेन प्रोड्यूसिंग ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू द DNA स्ट्रैंड यूजिंग द सिंथेसिस। बिसाइड देयर इज यूरेसिल इन द RNA इंस्टेड ऑफ थाइमिन ऑफ DNA, ठीक है। क्या पता है इसके अंदर, मतलब तुम्हारा थाइमिन, मतलब जो क्या बोलते हैं यूरेसिल के जगह, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल सिर्फ आता है वो बताया, ठीक है। DNA और RNA तुम लोग को पता रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर तुम्हारा कैसे रहता है, ATGC रहता है, ठीक है। एडिनाइन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता है, थाइमिन के जगह पे सिर्फ RNA के अंदर यूरेसिल रहता है, वो सिर्फ यहाँ पे कट करके बताएं, ठीक है। और फिर पेज नंबर 3 के अंदर क्या बताएं, यहाँ पे ये जो 3.5 बिलियन ईयर एगो है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से कट है। और तुम्हारा अ पीक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, पीक इनटू हिस्ट्री, वो चीज़ तुम्हारा यहाँ पे कैंसिल है, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया है, तुम्हारा 4 पेज नंबर पे क्या है तुम्हारे यहाँ पे कट, यूज ऑफ ICT, ठीक है। कैन यू टेल भी कट है और यूज ऑफ ICT भी कट है 4 पेज नंबर के अंदर। फिर तुम्हारा 5 पेज नंबर के अंदर क्या कट है, तुम्हारा यूज ऑफ ICT, ठीक है, 4 और 5 पेज नंबर के अंदर। फिर तुम्हारा 6 और 8, ठीक है, 7 पेज नंबर में कुछ भी नहीं है। 6 पेज नंबर में क्या कट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, यहाँ पे जो साइंटिस्ट के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये कार्बन डेटिंग का जो निकाला था इन लोग ने, वो कट किया, जिनके कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे कैंसिल है। उसी प्रकार तुम्हारा 8वें पेज नंबर के अंदर क्या है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, सेम इसके अंदर भी कट है। और तुम्हारा लेमार्किज्म जो था, लेमार्क, उनका भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कट किया है। फिर लास्ट में इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये भी तुम्हारा कट है, ठीक है। तो ये पेज नंबर तुम्हारा 6 और 8 के अंदर से ये सब इंटरनेट माई फ्रेंड और इंटरनेट इज माई फ्रेंड और इंट्रोडक्शन जो 3 दिए वो कट है 6 और 8 पेज नंबर से। फिर तुम्हारा 6 और 8 के बटर एक 9 और 12 है, ठीक है। मतलब 10 तुम्हारा 10 और 11 में से कुछ भी चीज़ कट नहीं है। 9 में से तुम्हारा एक क्या कट है इसके अंदर का, तुम्हारा जो जर्नी ऑफ ह्यूमन है, ठीक है। तो इसमें देखो, अभी जर्नी ऑफ ह्यूमन में तुम्हारा सब कुछ कट नहीं रहेगा, नेदरथल ये सब तुम्हारा कट नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैराग्राफ में है। लेकिन इसमें से तुम्हारा क्या कट जाएगा, जो इसके अंदर का जो एज दिया है, ठीक है, ईयर ग्रुप दिया है, वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है तो मतलब जो तुम्हारे से पैराग्राफ में दिया रहेगा वही आएगा, बाकी सब जो इसके अंदर दिया है वो सब नहीं आएगा। लेकिन हर बार मतलब आता था, लेकिन इस बार कैंसिल किया है, तो तुम्हारा ये पेज नंबर से कैंसिल है, तो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट लेसन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, सेकंड लेसन में क्या क्या कट है यहाँ पे, सेकंड लेसन में कैन यू रिकॉल, ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है, ठीक है, पहला पार्ट है। तो उसमें का ये तुम्हारा ये जो कैन यू टेल है वो कैंसिल है, और फिर नीचे से यूज योर ब्रेन पावर और कैन यू रिकॉल, ये दोनों तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है। तो तुम्हारा सेकेंड लेसन में से ये कैंसिल है। फिर 13 पेज नंबर में से क्या दिया यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन ऑब्जर्व जो है वो कैंसिल है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और कैन यू टेल, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज़ ये पेज में से कैंसिल है, ठीक है। पूरा मतलब वीडियो देखो लास्ट तक, तो समझेगा तुम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे तुम लोग को ईजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा, ठीक है, पढ़ने में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कट किया है उसके बाजू का थोड़ा चीज़ कुछ बचा है तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसलिए ध्यान रखना, ठीक है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और हिंदी मीडियम मराठी मीडियम भी तुम लोग इससे समझ सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या दिया यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के बारे में जो दिया है पूरी तरीके से कैंसिल है। लेकिन देखो ATP यहाँ पे कैंसिल, लेकिन नीचे ATP का जो कन्वर्जन है, ठीक है, एडिनाइन राइबो शुगर जो जाता है तुम्हारा, शकरा जाता है, ठीक है, राइबो शकरा जो रहता है वो जाता है, राइबो शुगर, वो कैंसिल नहीं है। मतलब ATP का जो फुल फॉर्म दिया बस वो कैंसिल, उसके बारे में थोड़ा जानकारी कैंसिल, लेकिन बाकी सब है। और देखो यहाँ पे एक मेन यहाँ पे NADH2 और FADH2 यहाँ पे कैंसिल नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। NADH2 और FADH2 का फुल फॉर्म भी आ सकता है, या वो कहाँ पे यूज़ होता है वो भी आ सकता है। फिर तुम्हारा पेज नंबर 15 में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, ये कैंसिल है, ठीक है, जो हैंस कर्ब साइकिल जिन ने बनाया था वो, उसके बारे में जो इनको इंट्रोडक्शन है वो कैंसिल है। फिर तुम्हारा पेज नंबर 16 के अंदर यहाँ पे कैन यू टेल वो कैंसिल है, और तुम्हारा ऑलवेज रिमेंबर ये तुम्हारा नीचे कैंसिल है, ठीक है, बाकी सब कैंसिल नहीं है इसके पेज नंबर में से, इतना सब चीज़ है। फिर पेज नंबर 17 और 18, पेज नंबर 17 में क्या कैंसिल है, यूज़ योर
ब्रेन पावर, ठीक है, फिर दूसरा इंटरनेट माय फ्रेंड, और कैन यू टेल, ठीक है, मतलब पूरा, मतलब इसमें से कट नहीं, लेकिन ये सब कट करके तुम्हें अच्छा ही है, क्योंकि दसवीं में जो पेपर रहता है उसमें से ये बीच बीच के जो कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन, क्या तुम बता सकते हो अपना, मतलब बुद्धि यूज करो, ब्रेन यूज योर ब्रेन पावर, ये सब जो रहता है, ये सब में से तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या था, तुम्हारा एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कम रहते हैं, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस बार ये सब कैंसिल है, तो ज़्यादा करके एक्सरसाइज से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा 18 पेज नंबर में कैन यू रिकॉल, सिर्फ यही कैंसिल है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो तुम्हारे यहाँ पे होता है वो कैंसिल नहीं है कुछ भी, माइटोसिस मियोसिस के बारे में, ठीक है। फिर तुम्हारा पेज नंबर 20 और 22 में क्या क्या कैंसिल है, पहला ट्राई दिस, ठीक है, ये कुर्ति करके देखिए, ये कैंसिल है, और फिर यूज योर ब्रेन पावर, ठीक है, ये दो चीज़ कैंसिल है इसके अंदर से, फिर लास्ट का यूज ऑफ आईसीटी और बुक आर माई फ्रेंड, ठीक है, ये टोटल मतलब चार चीज़ ये पेज में से कैंसिल है, मतलब बच्चे तुम्हारा सिर्फ थोड़े से थोड़े ही चीज़ बचे, ठीक है। अभी ये बाजू का जो डायग्राम है कैंसिल क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, मतलब तुम्हारा जो प्रैक्टिकल रहता है उसके अंदर आता है, उसलिए तुम्हें थोड़ा पढ़ने के लिए रखा है। फिर पेज नंबर तुम्हारा यहाँ पे पेज नंबर दूसरा आ गया 22, ठीक है। पेज नंबर 22 में यहाँ पे से थर्ड लेसन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट वन था वो, ये पार्ट टू लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, LPLO का पार्ट टू है, ठीक है, वो पार्ट वन था, ये पार्ट थ्री, इसमें कैन यू रिकॉल ये तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है, हाँ, ये 17-18 हो गया, 20-22 हो गया। अभी इसके अंदर 20-22 क्या है तुम्हारा, 24-25, मतलब 23 में से कुछ भी कट नहीं है इसके अंदर, देखो सिर्फ एक पैराग्राफ यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वो कट है, क्या दिया यहाँ पे, वेन एवर देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा इट्स फिलामेंट ग्रो अप वेरी फास्ट, यहाँ से लेके फिलामेंट डेवलप इनटू द न्यू साइको, ठीक है, मतलब लास्ट पैराग्राफ जो है फ्रेगमेंटेशन का वो तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है, रीजनरेशन से पहले जो फ्रेगमेंटेशन उसका लास्ट पैराग्राफ सिर्फ कैंसिल है, ठीक है, मतलब 24 में से यही पार्ट कैंसिल है। फिर तुम्हारा 25, ठीक है, 25 में से तुम्हारा क्या कैंसिल है, ट्राई दिस, ठीक है, ट्राई दिस स्पायरोगायरा का जो दिया स्पोर फॉर्मेशन वो तुम्हारा कैंसिल है। फिर 26 पेज नंबर में से क्या कैंसिल तुम्हारा, लेट्स थिंक, ठीक है, लेट्स थिंक जो है तुम्हारा ये कैंसिल है। और फिर बाद में तुम्हारा दूसरे पेज नंबर के अंदर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैनी फ्लावर, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, ये तीन पैराग्राफ यहाँ पे कैंसिल है। पहला का पैराग्राफ स्टार्ट होता है मैनी फ्लावर्स है स्टॉल कॉर्ड सपोर्ट, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है एंड्रोशियम इज मेल वॉल्स एंड मेम्ब्रेन आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स और मेंबर ऑफ गायनेशियम आर कॉल्ड कार्पल्स, ये तुम्हारा तीन पैराग्राफ, ठीक है, तो तीन पैराग्राफ तुम्हारे यहाँ पे पूरे कैंसिल है, मतलब तुम्हारे जो फ्लावर्स के पार्ट है, ठीक है, तुम्हारे जो फ्लावर्स के पार्ट है वो थोड़े से इसके अंदर ये कैंसिल किए, इस पे से भी एक क्वेश्चन बनता था तो ये भी कैंसिल किया, ठीक है, तो इसे समझो मैं टाइम पास के लिए ये सब कट किया है, जो क्वेश्चन बनते थे वो सब यहाँ पे एक एक कट किए, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग को भी पढ़ने को नहीं होगा। फिर डू यू नो है यहाँ पे वो भी कैंसिल है, और यूज़ ऑफ ICT ये भी इस पेज नंबर में से 27 पेज नंबर से कैंसिल है। फिर 28 पेज नंबर में से तुम्हारे यहाँ पे ट्राई दिस ये कैंसिल है, ठीक है, फिर तुम्हारा इसके अंदर से सरप्राइजिंगली फैक्ट है ये कैंसिल है, ठीक है, पेज नंबर 28-29 में से। फिर पेज नंबर 30 में से तुम्हारा डू यू नो, ठीक है, ये पूरे तरीके से कैंसिल है। फिर तुम्हारा दूसरे पेज के अंदर क्या कैंसिल है, कैन यू टेल, ठीक है, कैन यू टेल जो है ये पूरे तरीके से कैंसिल है। फिर पेज नंबर 33-34 के अंदर क्या कैंसिल है, इंटरनेट माय फ्रेंड, ठीक है, इंटरनेट माय फ्रेंड बाजू में येलो बॉक्स में दिया वो पूरा इंटरनेट माय फ्रेंड है तो वही कैंसिल है, ठीक है, इसके अंदर और कुछ कैंसिल नहीं है, रिप्रोडक्शन और कुछ कैंसिल नहीं है। फिर तुम्हारे यहाँ पे डू यू नो और उसके ऊपर का जो पैराग्राफ थोड़ा सा वो कैंसिल है पूरे तरीके से, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, लेकिन वो समझने के लिए बताया था, ठीक है, 2021 में 2020 का आने वाला था लेकिन अभी वो नहीं आएगा, तो 2022 में शायद से आ सकता है, ठीक है, 2022 में आएगा, 21 में करेंगे और 22 में यहाँ पे होएगा, क्योंकि हर 10 साल के बाद, ठीक है, वन डिकेड के बाद यहाँ पे होता है, लेकिन नहीं हो, इस बार नहीं होगा कोरोना वायरस है, ठीक है। तो फिर अभी ये लेसन क्लास हुआ, नेक्स्ट लेसन में जाते हैं 36-37 में, फोर्थ लेसन में क्या दिया यहाँ पे, कैन यू रिकॉल, ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल है। फिर थिंक एंड आंसर, ये भी तुम्हारा यहाँ पे कैंसिल है, इस पर से भी क्वेश्चन बनता था लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारा एक कैंसिल है, ठीक है। व्हाट इज़ नेसेसरी कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू द फूड वेब एंड वाई, ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा यहाँ पे कैन यू रिकॉल, इसके अंदर भी व्हाट इज इकोसिस्टम, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन बर्ड्स ऑन ट्री। फिर पेज दूसरे पेज के अंदर तुम्हारा कंप्लीट द चार्ट, ये कैंसिल है, ठीक है, कंप्लीट द चार्ट ये मेन इंपॉर्टेंट था लेकिन कैंसिल कर दिया, ठीक है, चलो। फिर पेज नंबर 37 हो गया, 38-39 के अंदर क्या कैंसिल है, कैन यू रिकॉल, ठीक है, साथ साथ में करते जाओ, स्क्रीनशॉट मार के रखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा बाद में फिर प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट कट करते जाओगे तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। 38-39 के अंदर कैन यू रिकॉल ये कैंसिल है। फिर तुम्हारा नीचे ऑब्जर्व एंड फील द इन्फॉर्मेशन, ये कैंसिल है। फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये भी कैंसिल है। फिर यहाँ पे
कंप्लीट द चार्ट, ठीक है, ये भी कंप्लीट द चार्ट है, ये भी तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है। फिर 40-41 के अंदर क्या कैंसिल, तुम्हारा पेज नंबर डू यू नो, 40 पेज नंबर के अंदर डू यू नो कैंसिल है, और पीक इन टू हिस्ट्री वापस कैंसिल है, और कंप्लीट द चार्ट भी कैंसिल है, ठीक है, समझ जाओ। मतलब कंप्लीट द चार्ट ये सब के अंदर से तुम्हारा आता था, लेकिन इस बार कैंसिल है, तो मतलब ज़्यादा करके तुम्हारा पीछे जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय उसमें से ही ज़्यादा करके कंप्लीट द चार्ट आएगा, ठीक है। तालिका पूर्ण करो जरूरत है वो। फिर लेट डिस्कस, इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, और ऑलवेज रिमेंबर, ये पेज में से ये तीन बॉक्स जो है वो कैंसिल है, ठीक है। डू यू नो कैंसिल नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980 और तुम्हारा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बना के वो लोग दे सकते हैं, छोटा ही 2 मार्क्स का रहेगा तो भी। फिर पेज नंबर 42-43 में से, 42 में से तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ वो कैंसिल है, ठीक है। और पेज नंबर 43 में से यहाँ पे तुम्हारा जो हाउ कैन बी बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, ये तुम्हारा उतना ही काम का नहीं था, उसलिए इस बार कैंसिल किया है। उससे भी इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं थे, और इस बार भी नहीं आने वाले थे, इसलिए इसको हटा दिया। फिर पेज नंबर 44-45 में से क्या है तुम्हारा, थिंक एंड आंसर, ठीक है, ये 44 पेज नंबर में से कैंसिल है। और फिर 45 पेज नंबर में से तुम्हारा पहला रिकॉल अ लिटिल, और फिर लास्ट में नीचे यहाँ पे डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर और थिंक, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा 4 बॉक्स ये पेज में से कैंसिल है। फिर पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 में प्रोजेक्ट जो दिया है वो कैंसिल है, ठीक है। फिर पेज नंबर 47, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, 47 पेज नंबर में तुम्हारा 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर कैन यू रिकॉल ये कैंसिल है, मेक अ टबल ये कैंसिल है, ठीक है। ये पेज नंबर 46-47 में से ये इतना पार्ट कैंसिल है। फिर पेज नंबर 49, ठीक है, 48 पे कुछ कैंसिल नहीं है, 49 में तुम्हारा यहाँ पे जो नीचे का पैराग्राफ है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का, उसमें का नीचे का पैराग्राफ पूरे तरीके से कैंसिल है, ठीक है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी का इंफॉर्मेशन देने को नहीं आएगा, सिर्फ मतलब कन्वर्जर्वेशन आएगा, कैसे ट्रांसफर होता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी कैसे बनता है वो आएगा, और कैसे इसका यूज़ होता है वो इतना यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ आईसीटी यहाँ पे कैंसिल है। फिर अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आता था थर्मल एनर्जी पावर प्लांट का आता था, लेकिन इस बार वो कैंसिल किया है, तो प्रॉब्लम फॉर द थर्मल पावर प्लांट आ सकता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन और ये सब निकलता है, तो इसलिए कैंसिल हुआ, ये कैंसिल नहीं किया है, तो ये आ सकता है। इसमें से कैंसिल क्या क्या हुआ है, डू यू नो ये कैंसिल है, और फिर बस हाँ इसमें से 50 पेज नंबर से इतना ही कैंसिल है। फिर तुम्हारा 51 में से तुम्हारा इंटरनेट इज माई फ्रेंड ये कैंसिल है, और कंपेयर ये तुम्हारा 51 पेज नंबर में से कैंसिल है। फिर 52 पेज नंबर में से तुम्हारा यहाँ पे जो प्लेस स्टेट और कैपेसिटी दिया, जैसे कि उसके अंदर कैपेसिटी दिया था, उसे इसका जो तुम्हारा पावर प्लांट है उसका भी कैपेसिटी दिया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 53 और 54, इसमें से ज़्यादा कैंसिल दिख रहा है, क्या दिया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये पूरा टॉपिक ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, और टूवर्ड द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब उसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं रखा है ग्रीन एनर्जी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी रखा है, ठीक है। मतलब समझ लो इसमें से जो 3 पॉइंट पार्ट दिया है तुम्हारा, वो यहाँ पे 3 पार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पेज नंबर तुम्हारा 50, 51, 52, 53, 54 में से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कट नहीं किया वो बाकी सब तुम्हारा कट करते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर इसके अंदर कैंसिल है, ठीक है। फिर पेज नंबर 55-56 में क्या कैंसिल किया है, यहाँ पे 55 में भी सेम यहाँ पे डू यू नो, ठीक है, ये जो कैपेसिटी दिया इसे फिंगर ब्लैंक्स आर में से 1-2 मार्क्स का आ जाते थे, ठीक है, लेकिन इस बार कैंसिल किया तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। फिर तुम्हारा पेज नंबर 55 में से कैंसिल किया, 56 में से तुम्हारा यहाँ पे जो विंड एनर्जी का है वो कैंसिल किया है, ठीक है, ये पैराग्राफ जो दिया ये क्या बोलते हैं गेट इन्फॉर्मेशन, ये कैंसिल किया। फिर 57 पूरा का पूरा पेज कैंसिल किया, दिख रहेगा तुम लोग को, ठीक है। फिर इसमें सोलर सेल इन सीरीज, सोलर सेल्स इन पैरेलल, सोलर पैनल 36 सोलर सेल, मतलब सोलर सेल के बारे में जो है पूरे तरीके से 57 इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर 58 में से सिर्फ फाइंड आउट जो दिया वो कैंसिल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेल एसी फ्रॉम द यूजिंग इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर का जो पार्ट है जो कैंसिल सोलर एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं वो कैंसिल नहीं किया, बाकी सब कैंसिल किया, ठीक है। यहाँ पे मतलब कैसे सीरीज और पैरेलल का चीज़ है वही कैंसिल किया है, लेकिन पूरा सोलर जो सेल है वो पूरे तरीके से कैंसिल नहीं किया, तो ये तुम्हारा जो पेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट का तुम लोग को ये रीड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 और 61 में से क्या कैंसिल किया है, फिर 60 जो तुम्हारा स्वाध्याय एक्सरसाइज है उसलिए कैंसिल नहीं किया है। यहाँ पे डू यू नो जो है तुम्हारा, जैसे तुम लोग का सब था उसे इसमें भी डू यू नो के अंदर ये तुम्हारा कैंसिल है। फिर तुम्हारा 6th चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, 6th चैप्टर में तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट जो दिया कैन यू रिकॉल ये कैंसिल किया है।
फिर पेज नंबर 62-63 के अंदर, पेज नंबर 62 के अंदर तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन कैंसल है, इंडिविजुअल मेथड ऑफ एनवायरनमेंट क्लासिफिकेशन कैंसल है। 63 पेज नंबर से तुम्हारे यहाँ पे कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन के नीचे का जो पार्ट है वो पूरे तरीके से कैंसल, मतलब एक्सप्लेन किया वो कैंसल है, ठीक है। फिर 64 में तुम्हारा वहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे थोड़ा पार्ट आया है, क्राइटेरिया ऑफ द न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन और ये जो है, ठीक है, वो कैंसिल किया है, मतलब ये इसमें से ज़्यादा पार्ट तुम्हारा कैंसिल है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 65 में से ऑब्जर्व कैंसिल है, बॉडी सिमेट्री कैंसिल है, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री जो सीमेट्रिकल जो रहता है वो सब यहाँ पे कैंसिल किया है, ए बी सी पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल किया, जर्म लेयर डिप्लोमेटिक ट्रिपलोब्लास्टिक ये कैंसिल किया है। फिर 66 पेज नंबर में से भी तुम्हारे यहाँ पे देखो डायग्राम कैंसिल नहीं किया है, मतलब डायग्राम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा बॉडी जो कैविटी दिया है, सेगमेंटेशन जो बॉडी के सब पार्ट्स थे कैसे सिमेट्रिकल थे, रेडियल सिमेट्रिकल थे, वो सब कैंसिल किया है, ठीक है, बाकी सब कैंसिल नहीं किया है। फिर हाँ ये देखो ये लास्ट का जो दिया है ये कैंसिल नहीं किया, मतलब देखो अभी क्या क्या वो लोग ने उसके बीच, मतलब उसके ऊपर जो डेफिनेशन था वो कैंसिल किया, लेकिन इसके अंदर का जो क्या क्या चीज़ कैंसिल रहता है, किंगडम, बॉडी ऑर्गेनिज्म, सिमेट्रिक बॉडी कैविटी और फाइलम दिया है, मतलब प्रोफेरा का एसिलोमेट रहता है बॉडी कैविटी और सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्र रहता है, ये सब कैंसिल नहीं दिया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 68 के अंदर तुम्हारा क्या कैंसिल है, डू यू नो कैंसिल है, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली इन्फॉर्मेशन ये तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है। फिर पेज नंबर 69 पे आ गए हम, 69 पेज नंबर पे क्या कैंसिल, तुम्हारा इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड और गेट इन्फॉर्मेशन ये कैंसिल है। उसी प्रकार यहाँ पे तुम्हारा दूसरे पेज के अंदर तुम्हारा लेट्स थिंक और सरप्राइजिंगली इन्फॉर्मेशन बुक आर माय फ्रेंड ये कैंसिल है, ठीक है। पेज नंबर अभी 71-74, अभी 73-72 के अंदर कुछ भी चीज़ कैंसिल नहीं है। डू यू नो यहाँ पे 73-71 पेज नंबर से कैंसिल है, और 74 पेज नंबर से तुम्हारा यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर ये कैंसिल है, ठीक है। फिर पेज नंबर 75, ठीक है, पेज नंबर 75 का लास्ट जो पूरा है एक्सरसाइज के ऊपर का वो पूरा तरीके से कैंसिल है। 76 तुम्हारा एक्सरसाइज है उसलिए कैंसिल नहीं है, ठीक है। फिर 77 हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, ठीक है, इंट्रोडक्शन इन माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो दिस प्रोसेस परफॉर्म द डेयरी प्रोडक्ट जो रहता है वो उसके अंदर का मिल्क कैसे बनता है वो कैंसिल है, ठीक है। डाइकोटिलन फ्लावर ये जो इससे बनता है वो सब चीज़ कैंसिल है। फिर पेज नंबर 78-79 में से कुछ कैंसिल नहीं है, 78 में से क्या कैंसिल है, लेट्स थिंक और डू यू नो ये तुम्हारा कैंसिल है। और उसी 80 में देखो अभी 80 में ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस ये कैंसिल है, मतलब किस चीज़ से कैसे माइक्रोब, कौन से माइक्रोब से और कैसे ये बनता था वो कैंसिल किया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 81-82 के अंदर क्या दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर और सर्च ये कैंसिल है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो एस्पिरिक्लान नाइगर जो है ये कैंसिल नहीं किया, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है और नीचे जो रोल्स है उसके बारे में वो भी आ सकता है। फिर तुम्हारा कैन यू टेल ये कैंसिल है पेज नंबर दूसरे में से 82 में से। फिर पेज नंबर 83 के अंदर लेट्स थिंक ये कैंसिल है, ठीक है। फिर पेज नंबर 84 के अंदर से कैन यू टेल ये कैंसिल है। पेज नंबर 85 में से तुम्हारा इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, टाइम फास्ट नहीं, मतलब ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, उसलिए हटाट फटाफट बता रहा हूँ। फिर पेज नंबर 88, ठीक है, अब यहाँ पे 8 लेसन स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमारा 7 लेसन कंप्लीट हुआ। कैन यू रिकॉल ऑब्जर्व, ठीक है, मेनली स्टार्टिंग में क्यों कैंसिल कर रखा है, जो इंट्रोडक्शन है जैसे तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये सब मतलब हो चुका है, वही सब चीज़ कैंसिल किया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो वो भी कैंसिल किया और जो ज़्यादा की इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीज़ कैंसिल किए। फिर पेज नंबर 89 के अंदर तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जो है ये कैंसिल है, यूज योर ब्रेन है ये कैंसिल है, ठीक है। और तुम्हारा 90 पेज नंबर के सबसे नीचे यहाँ पे तुम्हारा इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड ये कैंसिल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ दिया है स्टीम सेल एंड ऑर्गेन स्टीम सेल थेरेपी, ठीक है, जो चीज़ कितने कितने दिन तक जिंदा रहता है, कितने कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर पेज नंबर 91-92 के अंदर तुम्हारा यहाँ पे जो बाजू दिया ऑलवेज रिमेंबर और रिकॉल अ लिटिल ये कैंसिल है। और तुम्हारा पेज नंबर 92 के अंदर तुम्हारा जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिया डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कब डेवलप हुआ कैसे डेवलप हुआ वो कट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो दिया है लास्ट में यहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो सब पार्ट्स दिए वो और आगे भी दिए वो सब इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है। 93 देखो जैसे यहाँ पे दिया एनिमल हस्बेंड्री ह्यूमन ब्रीड्स और उसमें से दिया था, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन कम से कम आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें से भी तुम्हारा यहाँ पे 93 पेज नंबर से यूज़ ऑफ आईसीटी कैंसिल है, और यहाँ पे भी 94 पेज नंबर से डू यू नो ये कैंसिल है। फिर 95-96 के अंदर से इंटरनेट माय फ्रेंड ब्लू कलर में जो यहाँ पे फैक्ट दिया है, ठीक है,
किससे क्या क्या होता है, इंसुलिन कम होने से डायबिटीज़ होता है, सेमेटोसिन कम होने से ड्वार्फिज्म होता है, ठीक है, फिर जायंटिज्म जो रहता है तुम्हारा ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने से होता है, फिर इरिथ्रोप्रोटीन एनीमिया, ठीक है, ये नहीं दिया है वो सब मतलब बता रहा हूँ मैं, इंटरनल कैंसर होता है, इन्फ्लुएंजा से वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो जो चीज़ से दिया ये कैंसिल किया तुम्हारा, इसमें से भी कुछ ना कुछ एक चीज़ आ जाता था, फिर पीकिंग हिस्ट्री तुम्हारा ये भी कैंसिल है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, इस बार लेकिन कैंसिल किया तो नहीं आएगा इसमें से। फिर क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पीजन इन ओशन, ओशन के अंदर जो ऑयल स्पीजन रहता है उसको कैसे क्लीन किया वो कैंसिल है, ठीक है। अब इसके अंदर का व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। फिर पेज नंबर 97, 101 के अंदर क्या दिया है, 98, 99, 100 के अंदर कुछ भी कट नहीं है तीनों के अंदर, ठीक है, उसी से दो पेज तो स्वाध्याय का, एक पेज में कुछ कट नहीं है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट माई फ्रेंड कैंसिल है, ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारा ब्लू रेवोल्यूशन दिया है, ऊपर व्हाइट रेवोल्यूशन दिया है, ये पढ़ लेना अच्छे से। फिर नाइन्थ लेसन के अंदर सोशल हेल्थ, ठीक है, ये सब के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कैंसिल रहेगा इसलिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। देखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, ठीक है, अभी ये भी तुम्हारा कैंसिल मतलब पिछला एग्जाम में आया था लेकिन इस बार कैंसिल कर दिया, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा के पिछले एग्जाम में आया वो ज़्यादा इस बार नहीं आ सकता तो वो सब कैंसिल किया है, लेकिन जो जो पिछले बार एग्जाम में आया था और वो इस बार कैंसिल नहीं किया वो सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये लोग का मतलब थोड़ा सा माइंड सेट तुम लोग को समझना चाहिए कैसे रहता है एग्जाम का बोर्ड वाले का। थिंक ये कैंसिल है, ठीक है, फिर तुम्हारा कंपेयर ये कैंसिल है, फिर रिकॉल अ लिटिल ये 103, 104 के अंदर जो तुम्हारा कैंसिल है, फिर 105 के अंदर तुम्हारा इंटरनेट माई फ्रेंड ये पूरी तरीके से कैंसिल है, साइबर क्राइम जो दिया है वो, और पेज नंबर 106 में से डू यू नो ये तुम्हारा कैंसिल है। फिर पेज नंबर 107 में से और 108 में कुछ कैंसिल नहीं है, 107 में ऑलवेज रिमेंबर ये तुम्हारा कैंसिल है, और पेज नंबर ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज, इसलिए कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अब लास्ट लेसन में आ गया हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अंदर कैन यू रिकॉल ये तुम्हारा कैंसिल है। फिर पेज नंबर 110, 111 के अंदर तुम्हारा लेट्स डिस्कस ये तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ये जो चीज़ है ये अच्छे से याद रखना, टाइप ऑफ डिजास्टर जियोग्राफिकल बायोलॉजिकल मैनमेड, ठीक है, ये पढ़ लेना। फिर लेट्स थिंक यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो डिजास्टर दिया इकोनॉमिक पिछले बार वो आया था तो इस बार ये चार्ट आ सकता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर पेज नंबर 113, 115 के अंदर से ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट और ये तुम्हारा इस चार्ट इसमें से भी ये चार्ट कैंसिल है, मतलब वो चार्ट इंपॉर्टेंट है उसलिए इसको अच्छे से मार्क करके रखना, ठीक है। फिर ट्राई दिस तुम्हारे यहाँ पे कैंसिल है, फिर गेट इन्फॉर्मेशन ये भी तुम्हारा कैंसिल है। फिर 116 के अंदर से तुम्हारा 116 के अंदर इंटरनेट माई फ्रेंड कैंसिल है, हु डस वॉट, ठीक है, ये भी कैंसिल है। अब यहाँ पे जो तीन दिए ये इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, एक्सप्लोसिव फ्लेमेबल गैस और इसके अंदर का एक ना एक आ सकता है। फिर ये भी तुम्हारा ऑब्जर्व ये कैंसिल है, इसकी देखो चार्ट वापस इसके अंदर जो है ये कैंसिल किया है। फिर लास्ट में तुम्हारा लास्ट है अभी ये 118, 119 गेट इन्फॉर्मेशन ये कैंसिल है, इंटरनेट माई फ्रेंड ये कैंसिल है, और इसके अंदर का जो तुम्हारा एक्सरसाइज के ऊपर है पूरे तरीके से कैंसिल है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट लोग, प्रिपेयर करो इसके हिसाब से। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।